गोरखपुर में संदिग्ध हालात में मारे गए कानपुर के कारोबारी को लेकर बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिटाई से मौत का जिक्र। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मनीष गुप्ता के शरीर पर 4 गंभीर चोटों के निशान, सिर के बीचों बीच आई चोट साबित हुई जानलेवा। मनीष की दाहिने हाथ पर डंडे से पिटाई के कई निशान, बाई आंख पर भी पिटाई से चोट। गोरखपुर कांड में एसएचओ जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू। मृतक की पत्नी का गोरखपुर पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा अफसरों ने दबाव डालकर एफआईआर से हटवाए 3 नाम। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए चल रही है वोटिंग। मतदान केंद्रों पर सुबह से दिखने लगी हलचल, कई बूथों पर लगी है लंबी कतार। उपचुनाव में दांव पर लगी है सीएम ममता बनर्जी की किस्मत, नंदीग्राम में हार के बाद भवानीपुर में जीत की चुनौती। ममता के सामने मैदान में है बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल, सुबह से ही कर रही है सभी पोलिंग बूथ का जायजा। प्रियंका टिब्रेवाल को है ममता के खिलाफ जीत का भरोसा, कहा अगर लोग वोट देने निकले तो दिखेगा नतीजा। पंजाब कांग्रेस में छिड़े घमासान के बीच पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर ने चला बड़ा दांव, बुधवार रात दिल्ली में अमित शाह से की मुलाकात। शाह के साथ करीब 45 मिनट चली कैप्टन अमरिंदर की बैठक, मुलाकात पर तेज हुई सियासी अटकलबाजी। शाह से मुलाकात के बारे में अमरिंदर ने खुद ट्वीट पर दी जानकारी, लिखा किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर हुई चर्चा। अमरिंदर के मुताबिक अमित शाह से की तीनों कानून रद्द करने और एमएसपी गारंटी देने की मांग। अमित शाह के साथ जल्द ही दूसरी मीटिंग कर सकते हैं कैप्टन, सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हो सकती है मुलाकात। देश भर में 24 घंटे में 23,500 कोरोना मामले, 311 मरीजों की गई जान। अलवर में रंगदारी मांगने वाले गैंग पर पुलिस का शिकंजा, दुबई से जुड़े हैं तार। बस्ती में दलित जोड़े के साथ बदसलूकी, कालिकपोत कर गांव में घुमाया, 15 आरोपी गिरफ्तार। कासगंज में 2 गुटों के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज में खंभे से बांधकर लड़की की पिटाई, प्रेम प्रसंग के मामले में चाचा ने की बेरहमी। झालावाड़ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की हत्या, प्रेमी पर ही आरोप।